हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर्वेइंग के बारे में। ठीक है, तो सर्वेइंग के इस लेक्चर को हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कि हम यहाँ पर अब तक ये वाले सवाल देख चुके हैं कि सर, अगर यदि आपका कोई मैप है, वो मैप अगर यदि आपका श्रंक हो जाए एटमोस्फेरिक इफेक्ट की वजह से, या फिर क्या हो जाएगा, देखो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। सिंपल सी बात है ना, आपका मैप है या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो दोनों ही केसेस में हम यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर निकालते हैं, उसके दोनों अप्रोचेज में आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर भी लेकिन ठीक है सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा बनी रहे, इसी के लिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा के चलूंगा आपके सामने, है ना, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास रहे और इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ बाकी आप लोगों को। तो देखिए कि सर, द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 15 मीटर टू द 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कह दिया आप लोगों से कि सर, एक कोई भी प्लान था, ओल्ड प्लान है, ओल्ड सर्वे प्लान है, पुराना प्लान है, पुराने प्लान को आपने किससे बनाया था, इस वाली स्केल से बनाया था। ठीक है, अब आज मेजरमेंट कर रहा हूं तो मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया मैंने यहां पर मेजरमेंट किया, उस एरिया का आपके पास कितना आया वैल्यू, 18.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां पर निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब देखो, द प्लान इज फाउंड टू हैव श्रंक सो डेट अ लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9.8 सेंटीमीटर ओनली। फाइंड करना है आपको क्या क्या, कि सर एक तो आप निकालना है श्रंक स्केल निकालना है, एक आपको ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहां पर देखो, ठीक है, सबसे पहली चीज कि सर यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी चीज, आपके कोई भी प्लान अगर यदि आपका या तो श्रंक होगा या एक्सटेंड होगा, तो किसी पर्टिकुलर रेशियो से आपके पास यहाँ पर जाएगा, है ना, किसी पर्टिकुलर रेशियो से होगा, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, श्रंक रेशियो या फिर श्रंक फैक्टर निकालेंगे। श्रंक रेशियो या श्रंक फैक्टर क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैप मेरा छोटा हुआ है, मैप या प्लान मेरा छोटा हुआ है, बड़ा हुआ होता तो एक्सटेंडेड निकाल लेते हैं ना, एक्सटेंडेड फैक्टर निकाल लेते हैं ना। तो इसको कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, हम नीचे देखते हैं कि सर ओरिजिनली लेंथ आपकी कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, और यहां पर आपकी मतलब श्रंक होने के बाद आपकी लेंथ कितनी रह गई। ठीक है, श्रंक लेंथ आपकी यहां पर कितनी रह गई, जैसा कि ये ऑलरेडी आपको बोल चुका है कि सर एक लाइन थी 10 सेंटीमीटर की, ये अब रह गई है आपके 9.8 सेंटीमीटर की, है ना। तो 10 सेंटीमीटर की आपकी लाइन थी, ये लाइन आपकी रह गई है 9.8 सेंटीमीटर की। तो यहां पर कह दूंगा कि सर ये जो रेशियो निकल के आया है 0.98, इसी पर्टिकुलर रेशियो से आपका पूरा प्लान या पूरा मैप आपका श्रंक होने वाला है। सिंपल है बिल्कुल, आगे की तरफ चले बिल्कुल। अब देखो आपको निकालना क्या है, श्रंक स्केल निकालनी है। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है ऑलरेडी कि सर ठीक है, श्रंक स्केल जब भी आपसे निकलवाए, श्रंक स्केल, श्रंक स्केल, स्केल भी आपकी चेंज हुई होगी क्या, बिल्कुल सर, मैप चेंज हुआ तो स्केल भी चेंज हुई होगी। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि आपको करना कुछ नहीं है कि सर जो ओरिजिनल स्केल है, उस ओरिजिनल स्केल से एक पर्टिकुलर रेशियो से साथ चेंज हुई है, बिल्कुल, तो इस रेशियो को आपने यहां पर लिख दिया था और ये आपने यहां से निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये देखो हम यहां पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूं कि आप सब भूल गए हो आप लोग, है ना, इसलिए। तो यहां पर देख लेते हैं सर, श्रंक स्केल आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 0.98 मल्टीप्लाई आप यहां पर कर देंगे ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल आपको कितनी दे रखी है 15 मीटर टू द 1 सेंटीमीटर, यानी कि कह दूं तो 1/1500 की आपको यहां पर ये दे रखी है। इसको यहां से निकाल लेते हैं, चलो इसको मेजरमेंट कर लेता हूं। तो देखो 1500 डिवाइड बाय 0.98 मैंने यहां पर कर दिया है, ये मेरे पास निकल के आ रही है 1/1530.612। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास नई स्केल निकल के आ गई। ठीक है, अब अगर यदि आपसे पूछा गया, देखो पहला आंसर तो यहाँ पे आपने निकाल के दे दिया श्रंक स्केल का, अब ट्रू एरिया ऑफ सर्वे आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, देखो ट्रू एरिया ऑफ सर्वे निकालना हो तो ट्रू एरिया ऑफ सर्वे है ना। देखो सर्वे का ट्रू एरिया बोल रहा है, तो यहां पर आप देखो वैसे तो आप निकाल ही सकते हैं, अगर ये मीटर स्क्वायर वगैरह में देखो जब भी आपसे सवाल देगा, है ना, जब भी क्वेश्चन देगा तो दोनों तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ट्रू एरिया ऑफ सर्वे, अब मैं यहां पर श्रंक फैक्टर की मदद से निकालने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि सर ठीक है, मेजर्ड एरिया को या श्रंक एरिया को, ठीक है मेजर्ड एरिया लिख दो यहां पर, श्रंक एरिया लिख दो, श्रंक एरिया में श्रंक फैक्टर का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, श्रंक फैक्टर का डिवाइड कर देंगे, लेकिन चूंकि यह एरिया है और यह लेंथ के टर्म में बात करता है तो यहां पर इनका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, यही तो लिखा था मैंने यहां पर, देखो अभी तो वही फॉर्मूला चल रहा है आपका, देखो श्रंक एरिया बराबर श्रंक फैक्टर बराबर इंटू ओरिजिनल एरिया, बस यहां पर एरिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ओरिजिनल एरिया जब भी आपको निकालना है, ट्रू एरिया आपको निकालना है, श्रंक फैक्टर का स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, तो मेजर्ड एरिया आपके पास कितना दे रखा है 18.2 डिवाइड बाय आप यहां पर श्रंक फैक्टर का स्क्वायर कर देंगे 0.98 का आप यहां पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
तो यहां पर ये मैप के अंदर आपका ट्रू एरिया आ जाएगा, मैप के अंदर ट्रू एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा 18.2 डिवाइड बाय 0.98 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं मैप के अंदर बात करूं तो 83.51 लिख देता हूं, है ना, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको प्लान के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर आप निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अब यहां पर आपसे ग्राउंड में पूछे तो ग्राउंड में निकाल देना, हालांकि इसने पूछा नहीं हुआ है। जब भी आपको इस तरह के सवाल देगा तो ऑप्शन वगैरह जो भी देगा उसके हिसाब से आप यहां पर देख लेना, या फिर वो बोल के रखेगा आपको, है ना, सिंपल है, बिल्कुल। बड़े आगे की तरफ, बिल्कुल ओके। तो ये वाली बात तो हमारी हो गई है, बिल्कुल क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला टाइप हमने यहां पर देखा है, जिस टाइप के अंदर हमने क्या देखा है कि मेरा मैप या प्लान मेरा क्या होता है, श्रिंक हो जाता है या एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा कि सर जो भी आप पुराना प्लान लोगे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, हो सकता है आप भी गलती कर दो कभी। तो यहां पर एक और टाइप का यहां पर हम सवाल देखने वाले हैं, जिसका नाम लिखो आप यहां पर, एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल, ठीक है। अब देखो, एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल का क्या मतलब है? अभी तक तो हुआ क्या था, मेरे पास ऑलरेडी ड्रोन प्लान था, ठीक है। वो प्लान मेरा जो ऑलरेडी ड्रोन था वो मेरा क्या हो गया था, छोटा हो गया था, ठीक है, श्रिंक हो गया था, ठीक है, ये एक्सपैंड हो गया था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि चलो ठीक है सर, मैप तो बिल्कुल करेक्ट था, मैप अब बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लेकिन उस करेक्ट मैप के अंदर जो मुझे लेके जानी थी ना, भाई मान लो सर जिस स्केल से मुझे वहां पर मेजरमेंट करना था वो स्केल में गलत ले गया, है ना। तो सर अब क्या होगा, चलो सर अब क्या होगा, तो लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा, एफ अ रॉन्ग मेजरिंग स्केल इज यूज टू मेजर लेंथ और एरिया ऑफ द प्लान, ठीक है। यानी कि अगर यदि आप यहां पर कोई गलत वाली चीजें ले जाओगे, यानी गलत स्केल लेके जाओगे, तो एरिया आपके पास क्या निकल के आएगा, तो सर एरिया मेजर्ड एरिया आपका क्या निकल के आएगा, गलत निकल के आएगा, है ना, ठीक है। तो इफ अ रॉन्ग मेजरिंग स्केल इज यूज टू मेजर लेंथ और एरिया ऑफ द प्लान विच इज ऑलरेडी ड्रॉन द मेजर्ड लेंथ और एरिया विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो गलत लेके जाओगे तो गलत ही रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल। तो ये तो सर बात हमें पता थी पहले। तो सर इसके लिए हमें करना क्या है, देखो मैं इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको प्रेफर नहीं करूंगा, है ना, कोई फॉर्मूला मैं प्रेफर नहीं करूंगा, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आप लोगों को। जब भी आपसे बोला जाएगा कि सर क्वेश्चन के अंदर आप यहां पर सॉल्व करके देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सही को सही के साथ रख देंगे और गलत को गलत के साथ रख देंगे, ठीक है। बस ये इतनी सी बात अगर यदि आपने याद रख दी है तो ये आपका काम हो जाता है। देखो अगर ये बात आपने वहां पर भी याद रख ली हो ना, श्रृंग स्केल में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा रोल बताया था मैंने आप लोगों को, है ना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, यहां दिमाग नहीं लगाना, यहां पर आपको सही को सही के साथ रख दिया, गलत को गलत के साथ रख दिया, है ना। एरिया है तो लेंथ वालों का स्क्वायर कर देना है, जैसा कि हमने यहां पर श्रृंग फैक्टर में करते आए हैं। अब यहां पर चलो देख लेते हैं इसको कि सर इसके अंदर सर ये क्या लिखा है आपने। अगर किसी को फिर भी फॉर्मूला लिखने का शौक है, अगर मान लो फॉर्मूला लिखने का फिर भी मन कर रहा है तो चलो लिख लो, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर लिख देता हूं ट्रू का मतलब है सर करेक्ट आरएफ को, करेक्ट आरएफ इनटू करेक्ट लेंथ बराबर आपका हो जाएगा रोंग आरएफ, आरएफ का मतलब स्केल, है ना, ठीक है। आरएफ का मतलब यहां स्केल भी लिख सकते हो, रोंग स्केल भी लिख सकते हो डायरेक्टली, मैंने आरएफ लिख दिया है, बट आप यहां पर क्या है जनरली यूजुअली जब क्वेश्चन आता है तो आरएफ के फॉर्म में आता है, इसलिए मैंने आरएफ लिख दिया, बाकी अगर आप चाहो तो यहां पर स्केल लिख लो, है ना, डायरेक्टली रोंग आरएफ इंटू यहां पर कर देंगे रोंग लेंथ, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ कि सर यहां पर देखो कभी कभी क्या हो जाएगा कि आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि सर इफ देयर रोंग मेजरिंग स्केल यूज टू मेजर लेंथ और प्लान, तो जो मेजर्ड लेंथ मेरी निकल के आएगी वो मेजर्ड लेंथ मेरी कितनी निकल के आएगी, इनकरेक्ट निकल के आएगी, सिंपल सी बात है। तो यार रोंग लेंथ की जगह मैं यहां पर आपको मेजर्ड लेंथ भी आपके सामने लिख सकता हूं, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल।
यहां पर देखो रॉन्ग लेंथ की जगह मैं मेजर्ड लेंथ भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर्ड लेंथ, ठीक है। लेकिन इसको याद करना हो तो आप यहां पर रॉन्ग के नाम से ही याद करेंगे, है ना, रॉन्ग लेंथ या फिर फॉल्स लेंथ, आप जो भी बोलो, ट्रू इनटू ट्रू और फॉल्स इनटू फॉल्स, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल। ये आपको यहां पर याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या, गलत देके सही निकलवाएगा, सही देके गलत निकलवाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, है ना। तो यहां पर देखो, मान लो उसने करेक्ट लेंथ पूछवाई आपसे, मान लो उसने बोला कि सर करेक्ट लेंथ आप यहां पर निकाल के दो, तो करेक्ट लेंथ बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर करेक्ट लेंथ बराबर हो जाएगा आपका रोंग आर एफ अपॉन, यहां पर लिख दूंगा करेक्ट आर एफ, करेक्ट आर एफ मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ, ठीक है, पहला ये लो सा फॉर्मूला, ठीक है। किसी को अगर फॉर्मूला याद करने का शौक है तो इसको याद कर ले, किसी को फॉर्मूला याद करने का शौक बिल्कुल नहीं है जो मेरी तरह है वो ये याद कर ले कि सर ठीक है सही सही गलत गलत बात बराबर खत्म करानी, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अब देखो यहां पर सर ये तो बात हो गई लेंथ की, ये तो बात हो गई सर लेंथ के बारे में, ठीक है। अब सर लेंथ पे तो हमेशा तो मेरा लेंथ पे काम करने सर हमें, है ना, एरिया भी दे सकता है कभी कभी, अरे तो दे दे क्या दिक्कत है। अगर यदि आपसे यहां पर करेक्ट एरिया निकलवा ले, मान लो करेक्ट एरिया आपसे निकलवा ले, ठीक है, तो क्या कर देंगे आप यहां पर रोंग आर एफ है अपॉन यहां पर आपके पास क्या है करेक्ट आर एफ है, करेक्ट आर एफ है मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड या रोंग एरिया, कुछ भी आप यहां पर लिख दो, ठीक है, सेम, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि यहां पर एरियाज हैं और यहां पर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स हैं तो इनका आपको स्केल्स के स्क्वायर कर देना होता है, बस सिर्फ इतना याद रख लेना है, एरिया के केस में इनका स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर बाकी तो सब सेम चलेगा। वॉल्यूम दे दे तो यहां पर या वॉल्यूम लिख देना, यहां वॉल्यूम लिख देना, यहां क्यूब कर देना, सिंपल है, बिल्कुल। इतनी सी बातें तो हम यहां पर निकाल ही सकते हैं। चलो ये इसके थ्रू आपका ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट सारा का सारा। क्वेश्चंस करके देखते हैं तभी तो पता चलेगा कि सर सही में हुआ है या फिर सर ऐसे कह दिया आपने, तो है आपने ऐसे करा दिया। चलो देखो करके देखते हैं सर, द सर्वे और सर्वेयर मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द प्लान ड्रोन टू ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर एंड फाउंड आउट टू बी 50 मीटर लेटर ही डिटेक्टेड डेट ही यूज रॉन्ग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर फॉर मेजरमेंट डिटरमाइन द करेक्ट लेंथ व्हाट वुड बी करेक्ट एरिया इफ द मेजर्ड एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर। समझे क्वेश्चन को, समझो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्वेयर ने मेजरमेंट की है डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में जो कि उसने एक प्लान के ऊपर मार्क कर रखे, ठीक है। तो इसने यहां पर एक स्केल यूज की 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर और बाद में आपको पता चला कि सर एंड फाउंड टू बी 50 मीटर, ठीक है, ओके। लेटर ही डिटेक्टेड कि उसने यहां पर गलत स्केल यहां पर यूज कर लिया। देखो कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर इसने एक प्लान है, ठीक है, प्लान है, इस प्लान के अंदर कह दिया कि सर इस प्लान के अंदर आपने, इस प्लान के अंदर यहां पर आपके पास कोई स्केल थी जिस पर्टिकुलर स्केल से आपको यहां पर ए बी की वैल्यू मेजरमेंट करनी थी, ठीक है, प्लान के ऊपर ए बी की वैल्यू आपको यहां पर मेजरमेंट करनी थी और जिस स्केल से आपको मेजरमेंट करनी थी वो स्केल थी ये, लेकिन आप गलत स्केल कौन सी लेके गए, ये वाली स्केल आप यहां पर गलत लेके गए, ठीक है। और ये जो ए बी लेंथ है, जिस ए बी लेंथ, वो ए बी लेंथ आपको कितनी मिली, 50 मीटर की मिली। देखो समझने की कोशिश करना इसको, चलो छोड़ दो, बिना इसके समझ जाओगे आप तो, है ना, ठीक है। इसको देखो कि सर इसने क्या कहा कि सर दो पॉइंट आपने मार्क कर रखे हैं प्लान के अंदर, प्लान के अंदर इससे आपको स्केल से निकालना है और यहां पर आपको दे दिया क्या 50 मीटर, यहां पर आप ये वाली स्केल गलत ले गए, गलत स्केल ले गए। करना कुछ नहीं है, ट्रू इनटू ट्रू रख दो और फॉल्स इनटू फॉल्स रख दो। चलो सबसे पहली चीज सर, सबसे पहले आप ये बताएं मुझे कि सर आपके पास गलत वाली स्केल कौन सी है, रॉन्ग स्केल कौन सी है। रॉन्ग स्केल ये है, साफ साफ दे रखा है, तो रॉन्ग स्केल को हमने यहां पर रख दिया कि सर ठीक है ये रॉन्ग स्केल है 1/50 सेंटीमीटर की, 1/50 लिख दूं, बिल्कुल ठीक है। इनटू अब रोंग वालों के साथ आपको क्या रखना है, रोंग आपको यहां पर ये रखना पड़ेगा, सही स्केल कौन सी है, सही स्केल है 1/100, ठीक है, ये सही के साथ सही वाला रख दिया, ये सही वाली वैल्यू, ये गलत वाली वैल्यू रख दी, बिल्कुल। अब देखो एक वैल्यू है 50 मीटर, अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात मुझे यहां पर एक बात बता के बताओ कि अगर मैं गलत स्केल लेके गया तो यहां पर ये जो मैं वैल्यू लेके आऊंगा, ये वैल्यू मैं सही लेके आऊंगा कि गलत लेके आऊंगा, समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि सर दो पॉइंट के बीच में इसने इसके साथ यहां पर इसको करनी थी और यहां पर इसको 50 मीटर मिली है, लेकिन बाद में पता चला कि सर ये आपको रोंग स्केल लेके गया था, बाद में पता चला रोंग स्केल लेके गया था, मेजरमेंट करके आ गया, मेजरमेंट करने गया तो इसको पता था कि सर ये वाली स्केल लेके जानी है, मेजरमेंट करके आया, मेजरमेंट इतना आया, मेजरमेंट करने के बाद इसको पता चला कि सर ये इतनी वाली स्केल लेके गया था, तो ये मेजरमेंट सही होगा कि गलत होगा। अरे गलत स्केल लेके गए हो तो मेजरमेंट सही कैसे कर दोगे, मेजरमेंट भी गलत है,
तो ये गलत वाला मेजरमेंट हमने कर दिया यहां पर, ठीक है, यहां पर कर दिया, ये आपका पास हो गया। सही मेजरमेंट आपको मैं यहां पर x बोल देता हूं, ये x मेजरमेंट सही होता, सही मेजरमेंट आप यहां पर निकालेंगे, कितना निकल के आ रहा है 1/50, ये तो 1 हो गया, 100 हो गया पूरा, x बराबर 100 मीटर, यानी कि ट्रू लेंथ आपके पास कितनी है AB की, ट्रू लेंथ ऑफ AB, ये आपके पास आ गई ट्रू लेंथ ऑफ AB, ठीक है, यहां पर रखा ट्रू RF, यहां पर रखा ट्रू लेंथ, यहां पर रखा फॉल्स RF, यहां पर लगा फॉल्स लेंथ, ठीक है। अगली बात बिल्कुल सेकंड देखो, अभी तो करेंगे और भी करेंगे काफी सारे, अगर इसमें नहीं क्लियर होता अगले क्वेश्चन में क्लियर होगा, है ना। चलो देखो नेक्स्ट देखो, अब आपको निकालना है कि सर अगर यदि करेक्ट एरिया आपको यहां पर निकालना है, अगर आपने मेजर्ड एरिया, अच्छा ये देखो मेजर्ड एरिया अगर यदि आप यहां पर 50 मीटर स्क्वायर का निकाल के लेके आए थे, अच्छा सर देखो ये कह रहा है कि सर स्केल आप गलत लेके गए थे, मेजरमेंट करके आया, मेजर्ड एरिया फिर से निकाल के लेके आया, मेजर्ड एरिया आप सही होगा कि गलत होगा, मेजर्ड एरिया अब आपका सही होगा कि गलत होगा। देखो वापस अगेन यहां क्या करना है, ट्रू इंटू ट्रू बराबर फॉल्स इंटू फॉल्स रख देना है। इस बार हम यहां पर क्या रखेंगे, ट्रू RF आपका कितना है, देखो ट्रू के अंदर यहां पर देखो ट्रू के अंदर क्या क्या रखते हैं हम यहां पर, ट्रू RF रखेंगे, ट्रू के अंदर क्या रखेंगे हम यहां पर, ट्रू एरिया रखेंगे बराबर फॉल्स RF रखेंगे इंटू फॉल्स एरिया रखेंगे। जिन लोगों को समझ नहीं आता उनसे समझे, ठीक है सिंपल है बिल्कुल। देखो ट्रू RF आपका कितना है आपको पता चली गया 1/100 का, जिससे आपको मेजरमेंट करना था पूरा, इंटू ट्रू एरिया आपको क्या है निकालना है, सर ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, इसको यहां पर मैं बोल देता हूं y बोल देता हूं या एरिया ए बोल देता हूं, ठीक है। फॉल्स RF आप यहां पर कितना लेके गए 1/50 का, ये जो एरिया आप निकाल के लेके आए सही निकाल के लेके आए थे गलत निकाल के लेके आए थे, ऐसे गलत मेजरमेंट स्केल लेके गए थे तो गलत निकाल के लेके आए थे, ये 50 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन ये एरिया है, ये दोनों एरियाज हैं और ये दोनों आपके पास क्या है RF है, RF का स्क्वायर, यहां पर आपका करेक्ट एरिया आ जाएगा, ये एरिया आप यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। चलो निकालो 1/50 डिवाइड बाय ये मेरा आ रहा है कितना 200 मीटर स्क्वायर, सिंपल है बिल्कुल, निकाल लेना, देखो बहुत इजी से सवाल है ना। चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट देखो, एक डिस्टेंस है ए बी ग्राउंड के ऊपर, मेजरमेंट किया आपने एक स्केल के साथ, स्केल आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर की, और बाद में आपको और पता चला आपको ये जो मेजरमेंट आपका निकल के आया ये कितना है 500 मीटर। देखो ए बी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया इस स्केल से और निकल के आया कितना ये, बाद में आपको पता चला कि सर्वेयर ने क्या किया, ये गलत वाली स्केल उठा के लेके गया, आपको यहां पर करेक्ट लेंथ निकालनी है, ए बी की करेक्ट लेंथ निकालनी है। देखो सॉल्यूशन अगेन देखेंगे, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि सर नहीं हमें नहीं समझ बैठता सर क्या निकालना क्या नहीं निकालना, वो फॉर्मूला से चले जाए डायरेक्ट है ना, जिनको ट्रू और फॉल्स वाली चीजें समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, ट्रू फॉल्स वाली, ट्रू फॉल्स से आपका टाइम नहीं लगता। देखो इसमें करना क्या है सर, यहां पर ट्रू इंटू ट्रू बराबर फॉल्स इंटू फॉल्स रखना था आपको, बिल्कुल सर ठीक है। ट्रू के अंदर सर देखो हमेशा एक चीज तो आपको यहां पर RF है, दूसरी चीज या तो लेंथ होगी या एरिया होगा, या तो लेंथ होगी या एरिया होगा, यहां पर एक तो RF रहेगा और दूसरा आपका लेंथ होगा या एरिया होगा, ठीक है। अगर यहां पर एरिया है तो यहां पर भी एरिया यूज करना, यहां पर लेंथ है तो यहां पर भी लेंथ यूज करनी है, ठीक है बिल्कुल। ये दोनों सेम चीजें है, यहां पर ये जो दोनों क्वांटिटी यहां पर यूज करोगे RF इंटू लेंथ, तो यहां पर भी आपको क्या करना RF इंटू लेंथ, अगर यहां RF इंटू एरिया तो यहां पर भी RF इंटू एरिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब यहां पर देख लेते हैं अगेन, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यहां पर मेजरमेंट करना था किससे, कि सर आपको एक मेजरमेंट करना था किससे, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर से, और आप यहां पर करके किससे आ गए, रॉन्गली किससे करके आ गए 1/40 से, तो दो चीजें तो क्लियर हैं, करना था किससे 1/50 वाले से। अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर है, तो इसको यहां पर आप RF को चाहें तो चेंज कर सकते हैं आप आसानी से, है ना, तो 1 सेंटीमीटर 50 मीटर 1/5000 की स्केल हो गई, मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर देखो यहां पर आपको पता चल गया कितना किससे करके आए थे आप, यहां पर करके आ गए थे आप 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर से, ठीक है ओके। यहां पर आपको गलत मेजरमेंट जो मिला, गलत स्केल को लेके गए, तो मेजरमेंट कैसा मिला, गलत मिला, मेजरमेंट हमेशा गलत मिलेगा, अगर आप गलत स्केल को उठा के लेके गए तो मेजरमेंट हमेशा गलत ही आने वाला है, तो गलत मेजरमेंट आएगा, गलत मेजरमेंट कितना है 500 मीटर बिल्कुल। यहां पर क्या है सर, ये लेंथ आपको निकालनी है, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लो आप यहां पर आसानी से निकाल लेंगे, है ना ठीक है, तो कितना आ जाएगा 625 मीटर बिल्कुल सर, ये करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ओके बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट,
अब देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को और देखेंगे अच्छे से, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे खासे हो जाए ना। अरे चिंता वाली बात ही नहीं करनी है, बस ये वाला लेक्चर लगा लिया इसका मतलब समझ लो, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, ए सी उठा लो, गेट है गेट उठा लो, अगर आपको स्टेट एग्जाम उठाना है स्टेट एग्जाम उठा लो, कहीं भी उठा लो, क्वेश्चन नहीं अटकने वाले आपके कहीं भी, है ना। सब जगह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होंगे, पूरा वाइड एस्पेक्ट में कवर करने की सोच रहे हैं हम इस सिलेबस को, है ना। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे यहाँ पर। बाकी अगर यदि आपको जो भी लगे आप यहाँ पर बता सकते हैं, है ना, बिल्कुल जो भी है वो आप लोग बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप यहाँ पर बोल दें कि नहीं सर ऐसा तो ऐसा। ठीक है, देखो बाकी देखो खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा ट्राई रहेगा, लेकिन फिर भी ठीक है आप खुद की अगर देखें तो होता है ना, खुद भी थोड़ा बहुत लगना तो पड़ेगा, है ना। मेरे साथ मेहनत बिल्कुल कर रहे हो आप लोग, लेकिन खुद से भी आप अलग से एक्स्ट्रा आप यहाँ पर इनपुट देने की कोशिश करें, ठीक है, बिल्कुल। और देखो रिविजन इज मस्ट। अब पहले देखेंगे, ए प्लांट ड्रोन टू ए स्केल ऑफ 1/3000 वॉज मेजर्ड बाई मिस्टेक बाई स्केल ऑफ 1/4000, डिटरमाइन करना है आपको परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड लेंथ एंड द मेजर्ड एरिया। सबसे पहली चीज, क्या किसी को परसेंटेज एरर निकालना आता है? बिल्कुल। देखो परसेंटेज एरर आपके कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर आप यहां पर हमेशा कैसे निकालते हैं सर, मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ इनटू 100%। ठीक है, देखो परसेंटेज निकालना मेरे ख्याल से किसी को नहीं आता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता जिंदगी में, है ना। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो एप्टीट्यूड तो पढ़ा ही होगा, परसेंटेज एरर हमेशा ऐसा निकलती है। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट? ओके, तो हमेशा हम यहां पर ऐसे मेजर्ड लेंथ या मेजर्ड या फिर हम यहां पर जो भी परसेंटेज एरर होगी उसको हम यहां पर हमेशा ऐसे निकालते हैं। अब बात आती है सर यहां पर आपको निकालना है, एक प्लान आपने ड्रोन किया है, स्केल आपको यहां पर दे रखी है, आपको लेंथ में निकालना है। अच्छा देखो, स्केल आपको दे रखी है, आपको लेंथ में निकालना है। मान लेते हैं दो प्लान है, पहला प्लान ये, दूसरा प्लान ये है। ठीक है, देखो यहां पर मैं प्लान के अंदर बात करता हूं आपसे, प्लान के अंदर आपसे कह रखा है एक प्लान आपका ड्रोन है, अब आपने स्केल चेंज कर दी। ठीक है, यहां पर मैं कह दूं सर प्लान के अंदर यहां पर एक ए बी लाइन है, एल लेंथ की लाइन है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर यदि मैं यहां पर करेक्ट स्केल से मेजरमेंट करता हूं तो मेरे पास करेक्ट लेंथ निकल के आई, बिल्कुल। ठीक है, ठीक, यहां पर आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये एल लेंथ है और अगर यदि यहां पर मैं कह दूं ये मेजरमेंट मैंने यहां पर A1/3000 वाली स्केल से किया है, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास करेक्ट लेंथ कितनी आनी चाहिए, करेक्ट लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी, 3000L। अरे 3000L, इतनी एप्टीट्यूड तो आता है, अरे ये तो कन्वर्जन तो आता होगा कि सर 1/3000 से अगर यदि मैं मेजरमेंट करने जाऊंगा तो सर 3000L आ जाएगा आपके पास, इतनी लेंथ आपके पास निकल के आएगी करेक्ट लेंथ। मेजर्ड लेंथ आपके पास कितनी निकल के आएगी बताएंगे जरा, मेजर्ड लेंथ 1/4000 कैसे अगर यदि आप यहां पर करके आएंगे तो सर आप जो लेंथ निकाल के लाएंगे कितने निकाल के लाएंगे, 4000L निकाल के लाएंगे, बिल्कुल। ये अप्लाई कर दो परसेंटेज एरर इन लेंथ, क्या हो गई आपकी 4000L माइनस 3000L डिवाइड बाय 4000 आएगा, 3000 आएगा, 3000 आएगा ना करेक्ट वाला, हाँ, डिवाइड बाय 3000L, 1000 अपॉन 3000 आ जाएगा, L से L सारा कट गया है, तो यहां पर ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 33%। ठीक है, देखो 1000 डिवाइड बाय हो जाएगा, ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 3000 इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में निकाल लेंगे, इसको यहां पर परसेंटेज में कर देता हूं मैं ना, 33% हो गया यार, इसको ना थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, चलो L इनटू 100 ये आपका हो गया कितना, 33.33%। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 3000 1/3 ऑफ 100, ठीक है, 33.33%। अच्छा सर, अगर सर मुझे परसेंटेज एरर इन एरियाज निकालनी है तो एरिया के लिए आपको एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है, एरिया का अगर आपको निकालना है तो लेंथ का स्क्वायर कर देंगे, तो लेंथ का स्क्वायर कर दो, ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, 4000L का स्क्वायर कर दिया माइनस 3000L का आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है डिवाइड बाई 3000L का आपको स्क्वायर कर देना, बस देखो कुछ नहीं करना, लेंथ के स्क्वायर कर दिए आप लोगों ने, RF के स्क्वायर कर दिए, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। आजा चलो निकाल लेंगे, बिल्कुल चलो निकालने की कोशिश करते हैं, आ जाओ 4000 का स्क्वायर माइनस 3000 का स्क्वायर
डिवाइड बाय 3000 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आ रहा है कितना, 77.77%, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल ओके। ये आपको पता होना चाहिए यार, इतना थोड़ा बहुत एफटी आना चाहिए, डायरेक्टली आ रहा है, फ्लक के मत कराना, नहीं तो अदरवाइज आप कहोगे कि सर सारा आता था फिर भी गलत कराया, है ना। गलतियां नहीं करनी है, जो आता है कम से कम उनको तो सही ही करना है आप लोगों को, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आगे देखो आप, यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक, चॉइस ऑफ अ स्केल, ठीक है, बिल्कुल। अब एक स्केल को आपको यहां पर चूज कर देना है ना, चॉइस ऑफ अ स्केल। अब देखो दो चीजें, सबसे पहले कि सर आपको जब भी स्केल को चूज करने जा रहे हो आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए सर स्केल को कैसे चूज करेंगे। सर जैसे कि सर स्केल को चूज करने में सर इतना क्या सोचना, देखो सोचना पड़ेगा, जो आप यहाँ पर मैप या प्लान ड्रॉ कर रहे हो उसके अंदर दोनों चीजें चाहिए आपको। पहली चीज चाहिए कि आपका पूरा एरिया, जिस एरिया पे आप यहाँ पर सर्वे करना चाहते हो उस एरिया की ड्राइंग हो जाए, कम से कम इतनी सूटेबल स्केल आपको यहाँ पर उठा के लेके आनी है, सबसे पहली चीज, है ना। पहली चीज मतलब आपकी स्केल शुड बी सो स्मॉल, यानी कि इतने स्मॉल आपके पास स्केल होनी चाहिए जिससे पूरा एंटायर एरिया आपका कवर किया जा सके, पहली चीज। और दूसरी बात कि सर जो डिटेलिंग आपको चाहिए वो डिटेलिंग आपको अच्छे से मिले। डिटेलिंग कब मिलेगी, जब जूम करके देखते हो तब जो डिटेलिंग आती है आपको, अरे कहीं भी देख लो यार, आप जूम कर करके देखते हो ना, आप जब डिटेलिंग देखनी होती है बहुत सी बार, हाँ बिल्कुल। तो सर इसका मतलब है सर आपके पास पहली चीज कि सर पूरा एरिया कवर हो जाए, इतनी स्मॉल स्केल आपको यहां पर ले रही है। दूसरी बात सर आपकी डिटेल भी अच्छे से आपके पास निकल के आ जाए, इतना बड़ी से बड़ी आपको यहां पर स्केल लेनी है, यानी कि स्केल आपको लार्ज भी होनी चाहिए, स्मॉल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके बिल्कुल एक विद इन रेंज आपको यहां पर रखने की कोशिश, हम यहां पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वीरेंद्र रेंज आपको यहां पर रखना है, पहली चीज, है ना। तो पहला पॉइंट हम यहां पर देखेंगे कि चूज अ स्केल लार्ज इनफ सो डेट इन प्लॉटिंग और इन स्केलिंग डिस्टेंस फ्रॉम फिनिश्ड मैप, देखो पढ़ने की कोशिश करना अभी है ना, सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड मैप, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू रीड स्केल closer than 0.25 mm, ठीक है, सिंपल है। देखो पढ़ने की कोशिश करो, सबसे पहली चीज हम यहां पर बताने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं। देखो ये कह रहा है कि सर एक स्केल को आपको इतनी लार्ज रखनी है, इसका मतलब सर मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केल और साथ के साथ लार्ज स्केल की बात कर रहा है। देखो दोनों चीजें अलग है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केल जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब है कि सर मिनिमम वैल्यू का मतलब है सर 1 centimeter बराबर 1 होता है 10 meter, 1 होता है सर 1 centimeter बराबर 1 kilometer, ठीक है ओके। तो देखो जब भी मैं यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केल बोलूंगा तो मिनिमम वैल्यू तो इनकी है, ठीक है। जब भी मैं लेकिन आपसे स्मॉल स्केल बोलूंगा तो स्मॉल स्केल आपकी कौन सी, ये वाली आपकी स्मॉल स्केल है, ठीक है, और ये वाली आपकी लार्ज स्केल है। लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केल से आप यहां पर जनरली ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल। जब भी बोलूंगा ऐसे बोल दूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, सिंपल है, समझ जाना। अब देखो सबसे पहले सर स्केल इतनी लार्ज होनी चाहिए, इतनी लार्ज का मतलब है सर वो स्मॉल वैल्यूज की बात कर रहा है, वैल्यूज स्मॉल की बात कर रहा है ना, कि सर कम से कम हम यहाँ पर इतनी लार्ज स्केल लें कि सर आप जब भी प्लॉटिंग करने जाओ ना तो सर आप यहाँ पर फाइनली प्लॉट करके आ जाओ तो प्लॉट करने के बाद आपको 0.25 mm से कम की रीडिंग पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी लार्ज आप यहाँ पर स्केल रखो, ठीक है, यानी इतनी मिनिमम वैल्यू रखो कि सर इतनी डिटेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सामने लिख देता हूँ, मान लो ए बी जो है ग्राउंड के ऊपर 25 मीटर का है ना, ठीक है। तो सर मैं यहां पर कैसे यहां पर देखूंगा, बिल्कुल चलो देखो। तो यहां पर मैं चेक करने की कोशिश करूंगा कि मान लो मैंने यहां पर स्केल उठा के लिए है, स्केल मैंने यहां पर लिए 1 centimeter इक्वल्स टू आपको यहां पर दिखाना है 1000 meter, ठीक है, ये आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सर 1 centimeter इक्वल्स टू 1000 meter, ठीक है। अब यहां पर देखो 25 मीटर की आपको यहां पर शो करनी है, ठीक है, तो आपकी यहां पर जो डिस्टेंस आपके यहां पर निकालोगे आप यहां पर तो कितने निकालोगे बताओगे जरा,
25 मीटर को अगर यहाँ पर हम शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, हम यहाँ पर शो करेंगे 0.25 mm के अंदर। सिंपल है, 0.25 mm के अंदर, बिल्कुल। तो अब तक तो ये सूटेबल जा रहा है, बिल्कुल पूरा मामला सूटेबल जा रहा है। लेकिन सर यहाँ पर अगर मैं स्केल को, अगर यदि यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, स्केल की वैल्यूज को बढ़ा देता हूँ, या फिर मैं कह दूँ स्केल को घटा देता हूँ, स्केल की वैल्यूज को बढ़ाना या फिर स्केल को घटा देता हूँ, स्केल को घटा देता हूँ मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 10,000 मीटर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अच्छा 10,000 की जगह मैंने ज़्यादा कर दिया, चलो 10,000 करेंगे, 10,000 मीटर कर दिया। तो सर अब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी रह जाएगी आपकी, 0.025 mm हो जाएगी क्या, बिल्कुल सर। ठीक है, तो आपको डिटेलिंग 0.25 से नीचे चली गई। डिटेलिंग आपसे कह क्या रखा है कि सर आपको इससे नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, 0.25 mm से कम की डिस्टेंस आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कम से कम इतना तो आप रखो, कम से कम इतनी लार्ज तो रखो स्केल, तो स्केल को इतना लार्ज तो कम से कम रखना ही रखना है कि आपको यहां पर क्या करना है कि सर इतना लार्ज तो आपको कम से कम रखना है कि सर इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते, यानी कि इससे स्मॉल स्केल आप यहां पर कर नहीं सकते, इतनी लार्ज स्केल कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए कि आप इससे यहां पर आप देख लो कि सर 0.25 mm से ऊपर की आपको यहां पर क्या नहीं करनी पड़े, रीडिंग आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े मैप के अंदर जाके। ठीक है सर, आगे बात समझ में पहली, बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास फेल हो जाएगी ये सारी बात है ना, ये याद रख के चलना। चलो चलो ठीक है, इसको तो आप यहां पर ऐसे कैसा उतार के रख लो, इसको ऐसे कैसे समझ जाएगा। ठीक है, यहां पर कह देंगे, यहां पर इसको आप यहां पर नहीं ड्रॉ करेंगे, सिंपल, बिल्कुल। एक और बात देख ले मैं, चलो एक और देख ले मैं, सेकंड देख ले मैं, सेकंड पॉइंट और देख लो आप यहां पर। अभी तक तो हमने यहां पर क्या कहा था कि सर ठीक है स्मॉल, हमने यहां पर क्या कहा था सर, स्मॉल वैल्यूज के लिए बात की थी, लार्ज स्केल के बारे में बात की थी, अब यहां पर हम लार्ज वैल्यूज या स्मॉल स्केल के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो चूज स्केल, चूज अ स्केल स्मॉल इनफ इज कंसिस्टेंट विद क्लियर, एक मिनट यहां पर, विद क्लियर रिप्रेजेंटेशन, क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट डिटेल डिजायर्ड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि सर आपको यहां पर इतनी स्केल को इतना स्मॉल रखना है कि सर ये जो भी आपको यहां पर डिजायर डिटेल चाहिए वो सारी की सारी डिजायर डिटेल आपके मैप के अंदर आ जाए। सिंपल सी बात है, बिल्कुल, कहने का मतलब पूरा का पूरा एरिया आपको यहां पर कवर कर ले। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो कुछ जनरल स्केल्स हैं जो कि हमारे पास यहां पर काम में आने वाली है, उन काम में आने वाली उन जनरल स्केल्स को हम यहां पर डायरेक्टली देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लो इनकी वैल्यूज हैं, यहां पर मैं बताऊं आप लोगों से तो देखो। ठीक है, तो इनको यहां पर आप याद रख लेना, डायरेक्टली यहां पर सीधा सीधा लिख दिया। देखो यहां पर कैडेस्ट्रल मैप से एक बार सवाल पूछा गया था ना, कैडेस्ट्रल मैप से आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पर आपको जनरली अगर देखें तो देखो ये इसमें तो देखो कैडेस्ट्रल से आपसे सवाल पूछा गया है, बिल्डिंग से पूछा गया है, एक हाँ आपसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट से भी पूछा गया है ना, उसको मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं, अब यहाँ पर एक और लिख लेता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पर लिखता हूँ मैं आप लोगों के सामने, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, इसमें यहां पर दो तरह के, एक है आपका हॉरिजॉन्टल स्केल, एक आपसे पूछ लेता है कभी कभी वर्टिकल स्केल, है ना, वर्टिकल स्केल आपसे पूछा गया है। ठीक है, दो तीन एग्जाम से वहां पर पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली स्केल्स आपको यहां पर सीधा सीधा लिख के बता देता हूं, यहां पर आपको दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर टू 200 मीटर, है ना। ठीक है, और यहां पर ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपको यहां पर याद रख लेनी है, बाकी तो आपका काम हो जाएगा, और यहां पर ये आपके पास खत्म हो गया आज का लेक्चर। ठीक है, अब देखेंगे बाकी जो भी बातें हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और करते रहें, पढ़ते रहें साथ साथ, बाय।